मैं आंध्रा से, आंध्रा में, आंध्रा से विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा का से मेरा गांव के लिए विलेज है 70 किलोमीटर का, उधर उधर से मैं बम्बई आया। मेरा मम्मी मरने के बाद दो बहन है मेरा, वो दोनों को मैं ही तैयारी करके, चोटी बांधना, नहाना, तैयारी करना, वो सब मैं करने का, खाना पकाना अंदर का काम सब मैं खुद करना पड़ता है। अभी मेरा घर पे मेरे भाई से बहुत मुझे तकलीफ हो जाती थी। मेरा भाई, मैं तू लड़की लोग के साथ में दोस्ती करते, लड़का लोग साथ में नहीं घूमते, लड़की का छाल करते, इजड़ा का देते, ये वो बोल के मेरे को बहुत डांटते और मारते भी मेरे भाई। मैं मेरे भाई का बात, उनका बात सुन के भी मेरे को उधर रहने के लिए दिल नहीं करते थे। हम दो तीन जन साथ में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मैं एक इजड़ा का घर पे मेरे को वो लोग छोड़ा, वो मेरे को अच्छा देख रही थी, हाईब्रो वगैरह बनाया और चिमटा करने के लिए बोला था, लाइट दाढ़ी आते मेरे को, दाढ़ी मूछ आते मेरे को, रात को ड्रेस, पंजाबी ड्रेस पहनवाया, ड्रेस पहना के और ओपन करके ले आके हम धंधा पे लेके गए। उधर जाने के बाद क्या करने का मुझे मालूम नहीं, कंडम क्या होते भी मुझे मालूम नहीं रहते। वो लोग को कंडम 10 कंडम दिया था, तेरे पास रखो, कोई कस्टमर आएगा तो उनको पहना के सेक्स कर। थोड़े दिन के बाद मेरे को एक गाड़ी वाला मिला, लारी वाला, उनके साथ में मेरे मेरे को रोज आते, वो रोज आके 100-200 रुपए ऐसे दे के चल जाते, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। 3 महीने ऐसे किया, 3 महीने के बाद वो एक दिन बारिश हो रही थी, बारिश के दिन मैं गाड़ी पे चढ़ी, गाड़ी पे चढ़ने के बाद वो बोला था मैं आपके साथ में सेक्स करूँगा। बोली था हाँ करो चलेगा, पैसे देगा तो मैं किसके साथ ही सो जाती, मैं वो करने के लिए आया ऐसा बताया मैं, नहीं मेरे तू मेरे को वो नज़र से मत देखो, मैं आपके तेरे से शादी करना चाहती हूँ। वो ऐसे 6 महीने नहीं, 1 साल तक मेरे से, मेरे साथ में प्यार करने लिए मेरे कितना चाहती, मैं क्या मांगेगा तो वो ला के देते, किधर घुमा बोलते उधर लेके जाते थे गाड़ी पे। मेरे को तभी इंटरेस्ट हो गया मैं उनसे शादी करने के लिए। फिर मैं तभी मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर ऑपरेशन होने के बाद हम दोनों एक मंदिर पे जाके शादी किया। आंध्रा में मेरे को कड़पा में ऑपरेशन हुआ, तभी 5-5 हज़ार लिया था डॉक्टर, ऑपरेशन सर्जरी करके मेरे को 5 दिन में वापस लेके आया। मैं आया तो बहुत दर्द हो रहे, फिर इंजेक्शन दिया था, वो इंजेक्शन दे के मैं सो गई थोड़ा, 3-4 दिन दर्द बहुत हो रही थी। फिर वो 5-4 दिन वो पाइप निकाल के रखा था, फिर वो टाइम पे तो पेशाब करने के लिए जाएगा तो खून आ रहे, पेशाब आ रहे मुझे मालूम नहीं। दोपहर का टाइम मेरी बहन को, एक बहन को फोन किया, मेरा ऐसा हो गया, मैं लड़की बन गया, ऐसा बताने के लिए खुशी में मैं उनको फोन करेगा तो वो उल्टा मेरे को बुरा खबर दिया, पापा मर के आज 11 दिन हो गया, पापा मर गया 11 दिन हो गया दाता है। तो मैं वो टाइम पे तो बहुत रोया, मैं टाइम पे तो बहुत मेरे को बुरा लगे, बहुत रोई। फिर मैं रो रहे तो मेरा घर वाली बोल रही, वो मेरा नानी गुरु बोल रही तू क्यों रो रहे, हाँ कई किल रो रहे तू तू रोएगा ना, बाहर चल जाओ बल्कि मेरे पेटी गिटी बाहर किया था, बाहर करने का बाद मैं वो दूसरा मेरे मम्मी है, वो मम्मी उनको समझा के उनका घर पे रखा, उनका घर पे रखे मेरे को रुको क्या
को पानी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा पानी वो बात की है ना ऐसे हम कोई रवि बोल के कोई किसको भी मालूम नहीं। हमारा ऑफिस से बन गया वो, उसका प्रूफ से हम बैंक अकाउंट खोला था और पिन कार्ड भी उसका प्रूफ से बनाया था। मेरे बहन लोग मालूम है, रिश्तेदार लोग चाचा चाची और अंकल आंटी भाई मेरे भाई वो सब लोग को वो बताते भाई किधर भी होटल में काम कर रहे। भाई ने क्या कैसा क्या मेरे भाई की नहीं बताया, मेरे भाई का अभी तक नहीं माना। आउटरीच में हम फील्ड में कंडम देना, ICTC सेंटर में लेके जाके उसका HIV टेस्टिंग करवाना और गुप्त रोग का टेस्टिंग करवाना ये काम था। मैं पहले सेक्स वर्कर का काम करते थे, मेरा इतना बदलाव आया है मैं अभी सेक्स करने के लिए नहीं जा